एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकल ज्ञात करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू को हम लिखते हैं एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन। अब वर्ग अब डी बाई डी एक्स के बाद जो राशि दी गई है उसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है टू ए एक्स प्लस बी। तो इस प्रकार जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल एम इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल एन। आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू टू ए एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू बी प्लस एन। एक्स की समान घातों वाले पदों के गुणांकों की तुलना करने पर हमें मिल जाएगा, ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड में एक्स का जो गुणांक है या पी है और राइट हैंड साइड में एक्स का गुणांक है टू ए एम। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा टू ए एम इक्वल टू पी। सरल करने पर हमें मिल जाएगा एम इक्वल टू पी अपॉन टू ए। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड पर अचर राशि है क्यू और राइट हैंड साइड पर अचर राशि है एम बी प्लस एन। तो हम इसे लिखेंगे एम बी प्लस एन इक्वल टू क्यू, तो एन इक्वल टू मिल जाएगा क्यू माइनस एम बी। इसका मान रख देंगे तो मिल जाएगा एन इक्वल टू क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए। एम और एन का मान हमें प्राप्त हो चुका है, इन दोनों मानों का उपयोग करते हुए हम आगे समाकलन ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार है इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पी अपॉन टू ए इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस इन ब्रैकेट क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए होल इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब पूर्व ब्रैकेट में जो दो पद हैं या ब्रैकेट में जो पद हैं वो दो अलग अलग पदों का योगफल है, तो उसे हम अलग अलग करके लिखेंगे और आगे सरल करेंगे। तो हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड पर इक्वल टू पी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन टू ए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माना कि ये जो समाकलन हम ज्ञात कर रहे हैं ये आई वन प्लस आई टू है, जहां पर आई टू पहला समाकलन वाला पद है और आई टू जो है यह दूसरा समाकलन वाला पद है। तो आई वन इक्वल टू है पी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन टू ए एक्स प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इस समाकलन को सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और हम मान रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यह मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आई वन इक्वल टू पी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट टी डी टी। समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा पी अपॉन टू ए इंटू टू बाई थ्री इंटू टी का पावर थ्री बाई टू। अब टी का मान पुनः रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आई वन इक्वल टू पी अपॉन थ्री ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर थ्री बाई टू। और आई टू का जो मान है ये है क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसका मान हम पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं, वह मान हम यहां पर रख देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू पी अपॉन थ्री ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन होल पावर थ्री बाई टू प्लस क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए सिर्फ इतना ज्ञात होना आवश्यक है
कि पी एक्स प्लस क्यू को हम लिखेंगे एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन। आगे प्रक्रिया को सरल करेंगे और m और n का मान रख करके समाकलन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का समाकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो ये है 2x plus 1 into 5 minus 4x minus x square। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है, माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है, तो इसे हम लिख रहे हैं 2x plus 1 into square root over 5 minus 4x minus x square। थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि इस प्रकार के फलनों का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे पुनः, माना 2x plus 1 ये वाली राशि इक्वल टू m into d by dx of 5 minus 4x minus x square ये वाली राशि और प्लस n के बराबर है। अब इसका अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा m into minus 4 minus 2x plus n, तो ये है 2x plus 1 के बराबर। तो अब हम x के गुणांक को कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए m और minus 2 का मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा minus 2mx, और minus 4 से m का मल्टीप्लाई होगा मिल जाएगा माइनस 4m और फिर ये प्लस n। अब गुणांकों की तुलना करेंगे देखिए यहां पर x का गुणांक है 2 और यहां पर x का गुणांक है माइनस 2m, तो मिल जाएगा माइनस 2m इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है, m इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है ये 1 है और राइट साइड पे माइनस 4m प्लस n, तो माइनस 4m प्लस n इक्वल टू 1। तो यहां से n की वैल्यू हमें निकालनी है, n इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस, ये माइनस है उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 4m इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाई 2, दो दूनी चार मिल जाएगा। तो इस प्रकार 1 माइनस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो हमें मिल चुका है n इक्वल टू माइनस 1, m और n का मान हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार यदि इस दिए गए फलन का समाकलन x i हमने माना था, तो ये माना कि ये समीकरण एक है। तो 2x plus 1 के लिए हमें m into something और plus n ये हमने लिखा है, तो ये जो मान है m और n का यहाँ पर हम रख देते हैं और इस मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा i equal to integration sign 4 plus 2x और minus 3 then square root over 5 minus 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस पद को इसके साथ लिख लेंगे मल्टीप्लाई के साथ और फिर इस पद को अलग से लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन 4 प्लस 2x इंटू स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस 3 जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये डी एक्स। तो इसके लिए हम यह मान करके चलेंगे कि ये आई वन माइनस थ्री टाइम्स आई टू है। इसका मतलब ये कि ये जो फलन हमें दिखाई दे रहा है ये आई वन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है या फलन है ये हमें आई टू मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि ये समीकरण दो है, आई वन को अलग से हल करेंगे और आई टू को अलग से हल करेंगे और फिर मानों को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें वह मान मिल जाएगा जो चाहिए। I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन 4 प्लस 2x इंटू स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस 4 माइनस 2x
इंटू डी एक्स बराबर डी टी, या फिर 4 + 2x इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो ये प्रतिस्थापन हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और हमें मिल जाएगा आई वन इक्वल टू, देखिए 4 + 2x डी एक्स इक्वल टू है डी टी। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हमने टी से रिप्लेस कर दिया है, तो ये मिल गया टी डी टी। इसका मतलब ये टी का पावर 1/2 का हमें समाकलन करना है, तो ये हमें मिल जाएगा टी का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी, जहाँ पर सी समाकल नियतांक है। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, या फिर आई वन इक्वल टू 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। अब हम टी का मान रख देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2/3, टी इक्वल टू हमने लिया था 5 - 4x - x² और इसका पावर है 3/2 प्लस सी। सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसे C1 में परिवर्तित कर लेते हैं और ये हमारा C1। तो ये हमें मिल चुका है I1 का मान। अब हम I2 के लिए हल करेंगे। I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर 5 - 4x - x² dx। वर्गमूल के अंदर जो राशि है उसे हम पूर्ण वर्ग में बदलने का प्रयास करेंगे और फिर आगे हम सरल करेंगे। तो देखिए, अगर मैं 5 के बाद माइनस को कॉमन ले लूं तो मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर, इस पद को पहले लिख रहा हूं और फिर बाद में ये पद लिख रहा हूं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × x। यदि ये a है तो जो 2 होगा वो b होगा, b का स्क्वायर अर्थात 4 हम ऐड करेंगे और 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर ये dx। अब ध्यान दीजिए, यहां से लेकर का यहां तक जो पद है हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है और माइनस साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और माइनस मिलके हमें प्लस देंगे, तो 5 + 4 = 9 मिल जाएगा। तो स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर 9 - x + 2 का स्क्वायर dx, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर - x + 2 का स्क्वायर dx। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर -x² dx इसका समाकलन होता है x/2 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस फार्मूले का उपयोग हम कर सकते हैं इसका हल लिखने के लिए डायरेक्टली। तो हमें मिल जाएगा I2 के बराबर है I2 इक्वल टू x/2, x के स्थान पर है x + 2 और ये x/2, फिर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे 5 - 4x - x², फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए के स्थान पर है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो मिल जाएगा 9/2 और फिर साइन इनवर्स x/a, x के स्थान पर यहाँ पर x/2 अपॉन a और ये फिर प्लस सी। C1 ना देकर के हम इसे C2 नाम देते हैं। तो ये हमें I1 का मान यहाँ मिल चुका है और ये हमें I2 का मान मिल चुका है। अब पूर्व में हमने जो समीकरण लिखा था I = I1 - 3 × I2, उसमें हम इन मानों को रख देते हैं। तो जो मान हमें मिला था I = I1 - 3 × I2, इसमें हम I1 और I2 के मान को रख देते हैं, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा I = I1 हमें मिला था -2/3 × 5 - 4x - x² / 3/2 + C1 और फिर 3 × I2 और I2 का मान हमें मिला है x + 2/2 स्क्वायर रूट ओवर 5 - 4x - x² + 9/2 sin inverse x + 2/3 + C2। तो इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं -2/3 और फिर ये 5 - 4x - x² और ये 3/2 और फिर ये वाली क्वांटिटी 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ये 3/2 x + 2
और फिर स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी 4 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 3 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा माइनस 27 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा उत्तर है जहां पर c इक्वल टू c1 प्लस c2, यहां पर c भी समाकलनीयतांक है। तो यह अभीष्ट उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है, तो ये इंटीग्रेशन साइन x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। अब पुनः ये हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो x प्लस 1 है ये m इंटू d बाई dx ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस n। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा m इंटू, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x और फिर ये माइनस फिर ये प्लस n। अब x प्लस 1 इक्वल टू आपको मिल रहा है 2mx, ये 2m फिर x फिर माइनस m प्लस n। अब हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे देखिए यहां पर x है इसका कोफिशियंट या गुणांक 1 है, यहां पर x है इसका गुणांक 2m है, तो हमें मिल जाएगा 2m इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू 1 बाई 2। इसी प्रकार यहां पर जो अचर राशि है ये 1 है और यहां पर माइनस m प्लस n है, तो मिल जाएगा माइनस m प्लस n इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू 1 प्लस m इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। तो यहां से आपको मिल रहा है n इक्वल टू 3 बाई 2, m और n का मान मिल चुका है। अब हम यहां पर उसका मान रख देते हैं, जैसे कि x के x प्लस 1 को हमने ये लिखा है इस रूप में, तो आपको मिल जाएगा i, इंटीग्रेशन i है इक्वल टू देन ये 1 बाई 2 इंटू 2x माइनस 1, इसका अवकलन करने पर आ रहा है 2x माइनस 1 फिर प्लस n, तो ये 3 बाई 2 और फिर ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर में ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और फिर ये dx। यहां से लेकर के यहां पद को इसके साथ गुणनफल में लिखेंगे फिर प्लस इस पद को इसके साथ गुणनफल में अलग से लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है और फिर ये 2x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx, फिर प्लस 3 बाई 2 अगेन कॉन्स्टेंट है और फिर ये स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। तो माना कि इस स्थिति में जो हमें मान प्राप्त हो रहा है ये 1 बाई 2 इंटू आई 1 है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है इस पद का मान ये आई 1 है और फिर प्लस 3 बाई 2 आई 2 है, ये इंटीग्रेशन के अंदर जो राशि है ये आई 2 है। तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब हम इस राशि को सरल करेंगे या इस समाकलन को हल करेंगे और इस समाकलन को हल करेंगे, आई 1 और आई 2 का मान मिल जाएगा, फिर हम पुनः इस पर रख देंगे तो जो मान हमें मिलेगा वह अभीष्ट उत्तर होगा जो कि हमें चाहिए है। चलिए अब चलते हैं ये आई वन को सरल करने के लिए। माना कि आई वन इक्वल टू है 2x माइनस 1 जो कि हमने माना था पहले, आई वन का मान ये है और फिर यह है स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसे हमें सरल करना है। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे कि माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। तो इस प्रकार ये i1 जो है ये परिवर्तित हो रहा है, 2x माइनस 1 dx को हम लिखेंगे dt और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हमने माना है t, तो ये आ रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट टी dt, इसका मतलब ये t का पावर 1 बाई 2 dt, ये हमें सरल करना है। तो t का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 बाई 2 फिर प्लस c1, जहां पर c1 एक समाकल नियतांक है तो आगे आपको मिल जाएगा 2 बाई 3 t का पावर 3 बाई 2 प्लस c1। अब t का जो मान है वो हम यहां पर पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू 2 बाई 3 और t मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का पावर 3 बाई 2 प्लस c1, ये आपको i1 का मान मिल चुका है। अब हम I2 का मान निकालते हैं जहां पर
आई टू इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा अंदर वर्गमूल के अंदर जो राशि है हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू, टू और टू कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली ये माइनस एक्स है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्म में है। यदि एक्स ये ए के बराबर है तो वन बाई टू जो होगा वो बी के बराबर होगा, तो बी स्क्वायर अर्थात वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, ये आपको ऐड करना है ये, और फिर है ये प्लस वन डी एक्स। वन माइनस थ्री बाई फोर करेंगे तो मिल जाएगा थ्री बाई फोर, और अल्टीमेटली आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस थ्री बाई फोर। तो थ्री बाई फोर को हम लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर और फिर ये डी एक्स। तो ये समाकलन आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर होता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसे आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई टू इक्वल टू एक्स बाई टू, तो ये वन बाई टू और एक्स के स्थान पर है एक्स माइनस वन बाई टू, फिर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ये ए है उसका स्क्वायर, मतलब ये थ्री बाई फोर हो जाएगा और ये वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर, फिर लॉग ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर है एक्स माइनस वन बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस C2, जहां पर C2 समाकलन नियतांक है। इसे जब आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा I2 टू इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर और फिर ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये थ्री बाई एट और फिर लॉग ऑफ ये टू एक्स माइनस वन अपॉन टू और फिर प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी टू, जहाँ पर सी टू समाकलन नियतांक है। तो यहाँ पर ये आई वन का मान हमें मिल रहा है और ये आई टू का मान है, आई वन और आई टू के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे और आगे सरल करेंगे। तो हमें मिला था आई इक्वल टू वन बाई टू इंटू आई वन प्लस थ्री बाई टू इंटू आई टू, इन दोनों मानों को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू वन बाई टू इंटू टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर थ्री बाई टू प्लस सी वन प्लस थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू टू एक्स माइनस वन और फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई एट, इस क्वांटिटी को हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस थ्री बाई एट लॉग ऑफ टू एक्स माइनस टू अपॉन टू टू एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट देन प्लस सी टू। अब आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर थ्री बाई टू प्लस ये अपॉन टू यहाँ पर भी है, तो ये आपको मिल जाएगा थ्री बाई एट टू एक्स माइनस वन, थ्री बाई एट इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर है वन बाई टू प्लस ये थ्री और थ्री का मल्टीप्लाई होगा और ये टू और एट का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन इंटू लॉग टू एक्स माइनस वन प्लस टू स्क्वायर रूट ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई टू सी टू प्लस वन बाई टू सी वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन लॉग टू। आगे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन बाई ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि इस पद से और इस पद से हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू उभयनिष्ठ ले रहे हैं। फिर आपको मिल जाएगा एट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस नाइन इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस नाइन बाई सिक्सटीन इंटू लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी, जहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो राशि है इसको हमने सी से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू इंटू एट एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस वन प्लस नाइन बाई सिक्सटीन लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। और इसे आप और सरल करना चाहें तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू एट एक्स स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी प्लस टेन एक्स माइनस वन, और फिर इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस नाइन बाई सिक्सटीन इंटू लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वन प्लस टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।